हेलो एवरीवन, हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था चैप्टर 23। चैप्टर 23 में हमने सेक्शन 283 तक जान लिया था, जिसमें हमने ए पार्ट के बारे में जाना था। ए पार्ट में हमने बात की थी मोड ऑफ टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस, ठीक है। तो चैप्टर 23 में हमने ए पार्ट पूरी तरह से डिस्कस कर लिया था, तो आज हम इसका बी पार्ट डिस्कस करेंगे। हम सेक्शन 284 से लेकर के सेक्शन 290 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बी पार्ट किस बारे में बात करता है? कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, मतलब कि कमीशन इशू किया जाएगा बाय द कोर्ट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, किसी विटनेस को एग्जामिनेशन करने के लिए, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास सीआरपीसी का बेरेक ले लीजिए, जिसमें आप मेरे साथ सेक्शन वाइज रीड करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 284। सेक्शन 284 किस बारे में बात करता है? व्हेन अटेंडेंस ऑफ विटनेस में बी डिस्पेंस विद देन कमीशन इशूड, मतलब कि कब विटनेस की अटेंडेंस को डिस्पेंस कर दिया जाएगा विद एंड कमीशन इशूड, ठीक है। इसमें प्रोसीजर बताया कि अगर विटनेस की अटेंडेंस को डिस्पेंस कर दिया जाता है तो उसके लिए कमीशन इशू किया जाता है, अगर जरूरी है उस विटनेस को एग्जामिन करने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट क्लोज है वो बताता है व्हेन एवर इन द कोर्स ऑफ एन इंक्वायरी ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड, जो इस कोड के अकॉर्डिंग अगर कोई भी कोर्ट इंक्वायरी चलाती है, ट्रायल चलाती है, इफ कोई अदर प्रोसीडिंग चल रही है अंडर दिस कोड, इट अपीयर्स टू अ कोर्ट और मजिस्ट्रेट, और जो कोर्ट है या फिर जो मजिस्ट्रेट है, अगर उसको ये अपीयर होता है दैट द एग्जामिनेशन ऑफ वे विटनेस इज नेसेसरी फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, कि किसी विटनेस को एग्जामिन करना जरूरी है फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, फॉर द जस्टिस, ठीक है। एंड दैट अटेंडेंस ऑफ सच विटनेस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले एक्सपेंस और इनकन्वीनियंस, विच अगर जिस पर्सन को अटेंड कराना है, उस पर्सन को एग्जामिन करना है, जिस विटनेस को अटेंड कराना है, अगर जब उसको अटेंड कराया जाएगा तो उसमें डिले हो सकता है उससे प्रोसीडिंग ट्रायल और जो प्रोसीडिंग चल रही है उसके अगेंस्ट, या फिर उसमें काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है वो उसको अटेंड कराना विटनेस को, ठीक है, या फिर वो इनकन्वीनियंस है, तो उसके सर्कमस्टांसिस में अंडर दी सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस वुड बी अनरीजनेबल द कोर्ट और मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद सच अटेंडेंस, तो कोर्ट उसकी कोर्ट और जो मजिस्ट्रेट है उसकी अटेंडेंस को डिस्पेंस कर देगा एंड में इशू अ कमीशन, तो उसकी बजाय वो क्या करेगा, इशू अ कमीशन, कमीशन इशू करेगा फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस, उस विटनेस को एग्जामिन करने के लिए। प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, जो इसमें जो चैप्टर में प्रोविजन बताया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फर्स्ट क्लॉज सिंपली ये बात करता है अगर किसी पर्सन को एग्जामिन करना है, ठीक है, अगर कोर्ट और मजिस्ट्रेट उसको ये लगता है कि वो अगर उसको अटेंड कराएंगे विटनेस को तो उसमें डिले हो सकता है प्रोसीडिंग में, ठीक है, या उसमें काफी ज्यादा खर्चा हो सकता है, एक्सपेंसिव है काफी, या फिर इनकन्वीनियंस है, तो उस सर्कमस्टांसिस में कोर्ट क्या करेगी, उसकी अटेंडेंस को डिस्पेंस कर देगी, मतलब छोड़ देगी, और उसकी बजाय क्या करेगी, उस कमीशन इशू करेगी, और उस कमीशन में जो भी अपॉइंट किया जाएगा बाय द कोर्ट वो एग्जामिन करेगी विटनेस को वहीं पर जाकर जहां पर वो विटनेस है, ठीक है, जिस भी ज्यूरिडिक्शन में है वो वहां पर जाकर करेगी, या फिर किसी प्रिजन में है तो उस प्रिजन में जाकर उस विटनेस को एग्जामिन किया जाएगा बाय दिस कमीशन, जो भी अपॉइंट करती है कमीशन, ठीक है, बाय द कोर्ट जो किया जाता है अंडर दिस चैप्टर, जो ये प्रोविजन है। और इसमें एक प्रोविजन है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द एग्जामिनेशन ऑफ द प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नर ऑफ ए स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए यूनियन टेरिटरी एज अ विटनेस इज नेसेसरी फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, ए कमीशन शैल बी इशूड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ सच अ विटनेस। इसका जो प्रोविजो है सिंपली यही बताता है अगर किसी एग्जामिनेशन करना है किसी प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को ऑफ इंडिया को, ठीक है, या फिर किसी गवर्नर को, गवर्नर ऑफ स्टेट जो स्टेट का गवर्नर है और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए यूनियन टेरिटरी जो एडमिनिस्ट्रेटर है यूनियन टेरिटरी का, एज अ विटनेस उसको एग्जामिन करना है फॉर दी नेसेसरी, ठीक है, और वो नेसेसरी है फॉर दी एंड ऑफ जस्टिस, तो वो कमीशन इशू करेगी कोर्ट उस एज ए विटनेस उसको बनाया जाएगा प्रेसिडेंट गवर्नर जो वाइस प्रेसिडेंट है जो एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरी का उसको उसके लिए क्या करेगी कमीशन इशू करेगी कोर्ट और फिर उनको एग्जामिन किया जाएगा एज ए विटनेस, ठीक है, उनको बुलाया नहीं जाएगा कोर्ट में, प्रोविजो सिंपली ये बात करता है। और जो सेकंड क्लोज है द कोर्ट में व्हेन इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस, मतलब कि जो कोर्ट है वो इशू कर सकता है कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, किस लिए, एग्जामिन करने के लिए विटनेस को, फॉर द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन पर्पज के लिए, डायरेक्ट दैट सच अमाउंट एज अ कोर्ट कंसिडर्स रीजनेबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द अक्यूज्ड इंक्लूडिंग द प्लेडर्स फीस बी पेड बाय द प्रोसिक्यूशन, मतलब कि इसमें ये बात की गई है जो प्रोसिक्यूशन पार्टी है, ठीक है, वो एक्सपेंसेस देगी कोर्ट को, ठीक है, जो भी उसमें खर्चा आ रहा है उस कमीशन को इशू करने के लिए, जो कमीशन इशू किया जा रहा है फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस, उस विटनेस को एग्जामिन करने के लिए जो कमीशन के लिए जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो खर्चा आ रहा है, तो खर्चा मांग सकती है प्रोसिक्यूशन से जो पेड किए जाएंगे बाय द प्रोसिक्यूशन,
ठीक है। तो सेकंड क्लोज सिंपली ये बात करता है कि उसमें एक्सपेंसेस दिए जाएंगे, जो भी कमीशन का खर्चा होता है, ठीक है, जो एग्जामिन करती है उस फिटनेस को। तो सेक्शन 284 सिंपली यही बताता है, और जो सेक्शन 285 है, कमीशन टू वर्म टू बी इशूड, मतलब कि कमीशन इशू कर सकती है, ठीक है। तो इसमें प्रोसीजर बताया आगे, इफ द विटनेस इज विद इन द टेरिटरी टू विच दिस कोड एक्सटेंड, द कमीशन शैल बी डायरेक्ट टू द चीफ जुडिशियल, चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एज द केस में विद इन वोज लोकल जुडिशियल द विटनेस टू बी फाउंड। मतलब कि जो फर्स्ट क्लोज है सिंपली ये बात करता है कि वो जो विटनेस है वो जिसके भी जुडिक्शन में होगा, लोकल जुडिक्शन में, वहां का जो चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट है वो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ठीक है, उसको डायरेक्ट करेगी वो कोर्ट, ठीक है, जिस कोर्ट को क्या करना है, उस विटनेस को एग्जामिन करना है जो दूसरी जुडिक्शन में है, लोकल जुडिक्शन में, वहां के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को डायरेक्शन देगी कि वो उस विटनेस को एग्जामिन करे जो भी उसके जुडिक्शन में है, ठीक है, तो वो डायरेक्शन देगी उसके लिए, और वो कमीशन इशू करेगा वही कोर्ट, और वो कमीशन को वहां पर भेजेगी, ठीक है, जिसकी लोकल जुडिशियल में वो विटनेस है, ठीक है, लेकिन उसके लिए डायरेक्शन लेनी होगी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जो चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट है वो डायरेक्ट करेगी कमीशन किसको, चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसकी जुडिशियल में वो विटनेस है, ठीक है। वो जो सेकंड क्लोज है, इफ द विटनेस इज इन इंडिया, अगर विटनेस इंडिया में है लेकिन बट इन अ स्टेट और एन एरिया टू विच दिस कोड डज नॉट एक्सटेंड, लेकिन जो सीआरपीसी है ये कोड वहां पर एक्सटेंड नहीं करता है, वहां पर अप्लाई नहीं होता है, तो उस केस में क्या होगा, द कमीशन शैल बी डायरेक्ट टू सच कोर्ट और ऑफिसर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाइन दिस इन दिस बिहाफ। मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां पर उसने अपनी कोर्ट एस्टेब्लिश की होगी, स्पेसिफाई की होगी बाय नोटिफिकेशन या फिर कोई ऑफिसर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है उसके बिहाफ में, ठीक है, जो वहां पर सीआरपीसी अप्लाई नहीं होता है, तो वहां की कोर्ट है जो लोकल जुडिशियल की या फिर कोई वहां पर जो ऑफिसर है वो अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उन ऑफिसर और कोर्ट को डायरेक्शन दी जाएगी फॉर द कमीशन, जो कमीशन है वो डायरेक्ट करेगा उस कोर्ट और ऑफिसर को, जो इश्यू किया जा रहा है कमीशन वो वहां पर जाएगा और फिर वो उनको डायरेक्शन देगा कोर्ट और ऑफिसर को कि वो जो विटनेस है उनकी जुडिशियल में उनको क्या किया जाए, उनका एग्जामिनेशन किया जाए, ठीक है। और जो थर्ड क्लोज है, इफ द विटनेस इज इन ए कंट्री और प्लेस आउटसाइड एंड अरेंजमेंट हैव बीन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ सच कंट्री और प्लेस फॉर टेकिंग द एविडेंस ऑफ विटनेस इज इन रिलेशन टू क्रिमिनल मैटर्स, द कमीशन शैल बी इशूड इन सच फॉर्म डायरेक्टेड टू सच कोर्ट और ऑफिसर एंड सेंड टू सच अथॉरिटी फॉर ट्रांसमिशन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड इन दिस बिहाफ। मतलब कि मान लीजिए अगर कोई विटनेस किसी कंट्री में, मतलब कि आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, तो उसके लिए अरेंजमेंट करेगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, किस लिए, उस विटनेस को एग्जामिन करने के लिए, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें डायरेक्शन देगी एंड ऑफ सच कंट्री प्लेस ऑफ टेकिंग द एविडेंस, उससे जो विटनेस है उससे एविडेंस लिए जाएंगे, ठीक है, वो कब लिए जाएंगे, वो जो इश्यू की गई है कमीशन वो वहां पर जाएगी, ठीक है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें डायरेक्शन दिया है उसी मैनर में वहां पर जाकर वो उस विटनेस का एग्जामिनेशन करेगी, कहां पर, जिस कंट्री में वो विटनेस है, ठीक है, आउटसाइड इंडिया है जो, ठीक है, जिसकी जुडिशियल में आता है उसकी कोर्ट को वहां पर सेंड करेगी कमीशन को, और जो वहां की कोर्ट है, जो भी ऑफिसर है, उनको डायरेक्शन देगी कि उस पर्सन का एग्जामिनेशन करना है, जैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया बाय नोटिफिकेशन, जैसे भी उसका मैनर है उसी मैनर में होगा, ठीक है। 286 है एग्जीक्यूशन ऑफ कमीशन, मतलब कि कमीशन को एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है, तो उसमें क्या प्रोसीजर है, इसका मतलब क्या है, अपॉन रिसीप्ट ऑफ द कमीशन, मतलब कि जो कमीशन है वो रिसीप्ट लेगा द चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सच मेट्रोपोलिटन जुडिशियल मजिस्ट्रेट एज ही मे अपॉइंट इन दिस बिहाफ शैल समन द विटनेस बिफोर हिम और प्रोसीड टू द प्लेस वेयर द विटनेस इज एंड शैल टेक डाउन हिज एविडेंस इन द सेम मैनर एंड मे फॉर दिस पर्पज एक्सरसाइज द सेम पावर एज इन ट्रायल्स और वारंट केस अंडर दिस कोड। मतलब कि जिस कमीशन को इशू किया गया था कि जो भी कोर्ट थी, ठीक है, अगर उसको किसी विटनेस को एग्जामिन करना है, ठीक है, तो अगर वो दूसरी की जुडिशियल में था और जो वहां की चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट होगा, जो सीजेएम होगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा और मेट्रोपोलिटन और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ठीक है, वो अपॉइंट किया जाता है उसके बिहाफ में, ठीक है, मतलब कि वो अपने बिहाफ में कर सकता है अपॉइंट, शैल समन द विटनेस और उस विटनेस को समन करेंगे उसको बुलाने के लिए कोर्ट में और उसका एग्जामिनेशन होगा उस विटनेस का फिर, ठीक है, एंड शैल टेक डाउन हिज एविडेंस और उसके एविडेंस को लिया जाएगा इन दिस सेम मैनर उसी मैनर में जैसे हमने अभी पहले बात की है, ठीक है, जिस तरह से कौन करेगा, जो कमीशन है जैसे वो लेगी उसी बेस पे वो ले सकते हैं, ठीक है, अपने बिहाफ में एंड मे फॉर दिस पर्पज एक्सरसाइज द सेम पावर और सेम पावर यूज कर सकते हैं एज इन ट्रायल और वारंट केस अंडर दिस कोर्ट, जैसे कि हमने इस कोर्ट में पढ़ा था वारंट केसेस और जो ट्रायल्स है
जो भी ट्रायल और वॉरंट केसेस के वो चलते हैं ट्रायल्स, उसी के बेस पर, ठीक है। और इसमें आगे 287 क्या बात करता है, पार्टीज में एग्जामिन विटनेसेस, मतलब कि पार्टीज एग्जामिन करेगी विटनेसेस को, ठीक है। जो विटनेस क्या कर रहा है, एग्जामिनेशन दे रहा है, फिर पार्टीज उसको एग्जामिन करेगी उस विटनेस को। इसमें जो प्रोसीजर है वो बताता है, जो फर्स्ट क्लॉज कहता है द पार्टीज टू एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड, जो पार्टीज है जो प्रोसीडिंग चल रही है इस कोड में, जो पार्टीज उसमें इंक्लूड है, इन विच अ कमीशन इज इश्यूड मे रिस्पेक्टिवली फॉरवर्ड एनी इंटरोगेटरीज इन राइटिंग विच द कोर्ट और मजिस्ट्रेट डायरेक्ट द कमीशन मे थिंक रेलिवेंट टू द इशू एंड इट शैल बी लॉफुल फॉर द मजिस्ट्रेट कोर्ट और ऑफिसर टू वॉर्म द कमीशन इज डायरेक्टेड और टू वॉर्म द ड्यूटी ऑफ एग्जीक्यूटिंग इट इज डेलीगेटेड टू एग्जामिन द विटनेस अपॉन सच इंटरोगेटरीज। मतलब कि जो पार्टीज है, ठीक है, पार्टीज ने जो भी उस प्रोसीडिंग जो प्रोसीडिंग चली उन पार्टीज की, इन विच कमीशन जो भी कमीशन इशू किया गया है किसी विटनेस को एग्जामिन करने के लिए, तो वो पार्टीज क्या करेगी, अपने फॉरवर्ड करेगी इंटरोगेटरीज, जो भी उनके क्वेश्चन है, ठीक है, वो सबमिट करेगी बिफोर द कोर्ट और मजिस्ट्रेट, और वो डायरेक्ट करेगी कमीशन को, ठीक है, जो कमीशन क्या करेगा, उस विटनेस का एग्जामिनेशन करेगा, ठीक है, थिंक रेलिवेंट टू द इशू एंड इट शैल बी लॉफुल फॉर द मजिस्ट्रेट, और ये लॉफुल लिया है उस मजिस्ट्रेट के लिए, ठीक है, कोर्ट और ऑफिसर टू वॉर्म द कमीशन, वो मतलब कि डायरेक्शन देगी कमीशन को, कि उसको डायरेक्शन देगी कि ड्यूटी वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनको डेलीगेट कर सकते उस कमीशन को, ठीक है, फॉर दी टू एग्जामिन द विटनेस अपॉन सच इंटरोगेटरीज, ठीक है, जो भी उनको इंटरोगेटरीज क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, उसके बेस पर एग्जामिन कर सकते हैं उस विटनेस को। इसमें जो सेकंड क्लोज है वो बताता है एनी सच पार्टी में अपियर बिफोर सच मजिस्ट्रेट कोर्ट और ऑफिसर बाय प्लीडर, मतलब जो भी पार्टी है वो अपियर हो सकती है बिफोर द मजिस्ट्रेट कोर्ट और ऑफिसर बाय प्लीडर, मतलब कि अपने वकील के थ्रू भी अपियर हो सकते हैं वहां पर वे, ठीक है, और इफ नॉट इन कस्टडी, अगर वो कस्टडी में नहीं है, इन पर्सन एंड में एग्जामिन क्रॉस एग्जामिन री एग्जामिन एज द केस विल बी द सेट विटनेस, मतलब कि उन विटनेस का एग्जामिन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो सकता है, उनका री एग्जामिनेशन भी हो सकता है, द सेट विटनेस जो भी विटनेस है उसमें जिनका एग्जामिनेशन किया गया था बाय द कमीशन, ठीक है, जो भी कमीशन इशू किया गया था, तो उसके बाद उनको क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है, री एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है उन विटनेसेस को, ठीक है, अगर अपियर होता है किसको, मजिस्ट्रेट को, कोर्ट और ऑफिसर को, ठीक है, तो उसके बाद वो उनको क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं 288 सेक्शन में, रिटर्न ऑफ कमीशन, मतलब कि कमीशन रिटर्न होगी, ठीक है, जब उसका एग्जामिनेशन हो जाएगा तो रिटर्न नहीं आएगी, ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट क्लोज है एंड आफ्टर एनी कमीशन इशूड अंडर सेक्शन 284, जैसे कि हमने सेक्शन 284 में पढ़ा था, कमीशन इशू किया जा रहा है किसी विटनेस के लिए ताकि उसको एग्जामिनेशन किया जाए उसका, ठीक है, हैज बीन ड्यूली एग्जीक्यूटेड, वो ड्यूली एग्जीक्यूट करेंगे जो कमीशन है, इट शैल बी रिटर्न, और फिर वो रिटर्न आएंगे कब, जब वो एग्जामिनेशन कर लेंगे उस विटनेस का, टुगेदर विद द डिपोजिशन ऑफ द विटनेस एग्जामिन देयर, जो भी उसमें डिपोजिशन हुई थी उस विटनेस की, ठीक है, जब उसको एग्जामिनेशन किया जा रहा था, तो वो डिपोजिशन टू द कोर्ट और मजिस्ट्रेट इशूइंग द कमीशन, जो जिस कोर्ट ने और जो मजिस्ट्रेट है जिसने भी वो कमीशन इशू किया था उसको, एंड द कमीशन द रिटर्न देयर टू एंड द डिपोजिशन शैल बी ओपन एट ऑल रीजनेबल टाइम्स टू द इंस्पेक्शन ऑफ द पार्टीज, ठीक है, तो वो कोर्ट में सबमिट करा देंगे जो भी डिपोजिशन थी, जो भी उसने विटनेस था, जो भी उसको एग्जामिनेशन में जो भी स्टेटमेंट थी वो डिपोजिट करेगी बिफोर द मजिस्ट्रेट और कोर्ट, और फिर उसके बाद जो वो पार्टी है वो उसको उस स्टेटमेंट का जो भी डिपोजिशन था उसको इंस्पेक्ट कर सकती है, इंस्पेक्शन कर सकती है, एंड मे ऑब्जेक्शन टू ऑल जस्ट एक्सेप्शंस, मतलब कि उसमें वे जो भी एक्सेप्शन थे वो जस्ट होंगे, सब्जेक्ट बी रीड इन एविडेंस इन केस बाय अदर पार्टी एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ रिकॉर्ड, और फिर उनको रीड किया जाएगा उन एविडेंसेस को जो भी एग्जामिनेशन से मिले हैं विटनेस से, ठीक है, उन एविडेंस को रीड किया जाएगा बाय अदर पार्टी, कोई भी पार्टी कह सकती है जिस भी पार्टी की तरफ से वो विटनेस हुआ है, ठीक है, एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, और उसको पार्ट माना जाएगा उसके उस केस के रिकॉर्ड का, ठीक है, तो फर्स्ट क्लोज सिंपली यही बात करता है, ओके, और जो सेकंड क्लोज है एनी डिपोजिशन सो टेकन, जो भी डिपोजिशन लिया गया है फर्स्ट क्लोज के अकॉर्डिंग इफ इट इज सेटिस्फाइज द कंडीशन इज प्रिस्क्राइब बाय सेक्शन 33 इंडियन एविडेंस एक्ट, जैसे कि सेक्शन 33 इंडियन एविडेंस एक्ट बात करता है, जो कंडीशन प्रिस्क्राइब की गई है 1872 में जो एविडेंस एक्ट है, मे ऑल्सो बी रिसीव्ड इन एविडेंस, तो उसको रिसीव किया जाएगा इन एविडेंस, जो भी उसका विटनेस का एग्जामिनेशन किया जा रहा है उसको रिसीव किया जाएगा एज ए एविडेंस एट एनी सब्सिक्वेंट स्टेज, मतलब कि सब्सिक्वेंट स्टेज से, ठीक है, ऑफ द केस बिफोर अनदर कोर्ट, मतलब किसी भी कोर्ट के अंडर, अनदर कोर्ट के अंदर, ठीक है, हमारा 288 सेक्शन था, ठीक है, अब हम चलते हैं 289 में, एडजर्नमेंट ऑफ प्रोसीडिंग,
मतलब कि एडजर्न कर दी जाएगी प्रोसीडिंग को। कब की जाएगी? इन एवरी केस इन विच ए कमीशन इज इशूड अंडर सेक्शन 24 द इंक्वायरी और ट्रायल अदर प्रोसीडिंग में बी एडजर्न फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम रीजनेबली सफिशियंट फॉर द एग्जीक्यूशन एंड रिटर्न ऑफ द कमीशन। मतलब कि जैसे कि हमने सेक्शन 284 में पढ़ा था, कोई कमीशन इशू किया जा रहा है बाय द कोर्ट, तो वो कमीशन क्या करेगा, उस विटनेस का एग्जामिनेशन करेगा वहीं पर जाकर जहां पर वो रह रहा है, ठीक है, या फिर किसी प्रिजनर, कोई वो प्रिजनर है तो उसको वहां पर जाकर एग्जामिनेशन करेगी। और जब वो रिटर्न होगी, मतलब कि जब तक वो रिटर्न नहीं हो जाती, जब वो इशू कमीशन किया जा रहा है, कमीशन को इशू किया जा रहा है, तब उसकी जो प्रोसीडिंग चल रही है, जो ट्रायल है, जो इंक्वायरी है, उसको एडजर्न कर देगी, ठीक है, उसको वहीं पर स्टॉप कर देगी प्रोसीडिंग को। और फिर जब तक वो रिटर्न नहीं हो जाती, कमीशन वो एग्जामिन करने के बाद वापस नहीं जाती कोर्ट में, जब तक वो डिपोजिशन सबमिट नहीं करती बिफोर द कोर्ट, तब तक उसकी प्रोसीडिंग को स्टॉप कर दिया जाएगा, एडजर्न कर दिया जाएगा। हम चलते हैं सेक्शन 290 में, एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन कमीशन, मतलब कि एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं फॉरेन कमीशन, ठीक है। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, जो सेक्शन हमने किसमें पढ़ा था, हमने सेक्शन में जो हमारा सेक्शन 285 सेक्शन था, ठीक है, इशू कमीशन किया जाता है जो कि अदर कंट्री में जाकर किए जाते हैं उन कमीशन को अपॉइंट, ताकि वो वहां पर उस विटनेस का एग्जामिनेशन कर सके। तो सेक्शन 290 में भी सिंपली ये बात की, जो फर्स्ट क्लोज है द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 286 एंड सच ऑफ सेक्शन 287 एंड सेक्शन 288 एज रिलेट टू द एग्जीक्यूशन ऑफ कमीशन एंड इट रिटर्न शैल अप्लाई इन रिलेशन ऑफ द इन रिस्पेक्ट ऑफ द कमीशन एंड इशूड बाय एनी ऑफ द कोर्ट जजेस और मजिस्ट्रेट थेरिन मेंशन्ड एज नेम अप्लाई टू कमीशन इशूड अंडर सेक्शन 284। कमीशन इशू किया जा रहा है अंडर सेक्शन 284 के अकॉर्डिंग, वो कमीशन इशू होने के बाद वो सेक्शन 286, 287 एंड 288 के अकॉर्डिंग उसका प्रोसीजर अप्लाई करेगी, ठीक है। सेकंड क्लोज है, वो बात करता है द कोर्ट जजेस एंड मजिस्ट्रेट रेफर टू इन सबसेक्शन 1, मतलब अंडर सबसेक्शन 1 जब कोर्ट के थ्रू एग्जीक्यूट किया जा रहा है, मतलब इशू किया जा रहा है कोई भी कमीशन, जैसे कि हमने अंडर सबसेक्शन 1 बात की है, तो जो इसके अंदर 2 क्लोज है ए और बी, इसमें बताया गया एनी सच कोर्ट जज और मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुडिशियल विद इन एरिया इन इंडिया टू विच दिस कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड एज अ गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई ऑन दिस बिहाफ। मतलब कि जो वो सीआरपीसी हमारी है, अगर जहां तक वो अप्लाई नहीं होती है, जहां पर अप्लाई नहीं होती है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई करेगी अपने बिहाफ में कि जो वहां पर कोर्ट है और जो ऑफिसर अपॉइंट किया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो वहां पर उसको डायरेक्शन, मतलब कि वहां पर जो कमीशन इशू किया जा रहा है वहां पर जाएगा और उनको डायरेक्ट करेगा जो भी मैनर बताया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन, ठीक है। और जो बी क्लोज है एनी कोर्ट जज और मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुडिशियल टू एनी सच कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया, मतलब कि आउटसाइड इंडिया की बात की है किसी कंट्री में, एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई करेगी अपने बिहाफ में एंड हैविंग अथॉरिटी अंडर द लॉ एनफोर्स इन दैट कंट्री और प्लेस टू इशू कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन रिलेशन टू एनी क्रिमिनल मैटर, जो कि क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड किसी विटनेस को एग्जामिन करना है बाय द इशू कमीशन, जो भी इशू किया गया कमीशन, ठीक है, उसके थ्रू, तो वो बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी उसने नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई किया है अपने बिहाफ में, तो उसी मैनर में वो अथॉरिटी वहां पर जाएगी और वहां पर वह कमीशन जो इशू किया गया है वो उस विटनेस को एग्जामिन करेगी इन रिलेशन टू क्रिमिनल मैटर्स। सेक्शन 290 तक कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर सेक्शंस को जानेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही था, ओके बाय।